हेलो डियर, वेलकम बैक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। 921 भूकंप जब आया था वो मुझे याद है, क्या तुम्हें वो भूकंप याद है? इस पर हाई कहता है 921 भूकंप, आखिर वो कौन सा ईयर था? वो भी कहता है 1999। इस पर हाई कहता है, तब तो मैं सिर्फ 5 साल का था, मुझे नहीं याद। तो बोवी कहता है, तो तुम 5 साल के थे, लेकिन मुझे याद है जब भूकंप आया था तब मैं और मेरी दादी हम दोनों घर के बाहर चले गए थे। इस पर हाई कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी थी? बोवी कहता है, नहीं, पर हमारे घर की दीवार में बहुत ही बड़ा क्रैक हो गया था और बहुत सारे ताइवान में बिल्डिंग्स भी गिर गई थी, और उस रात बहुत सारे लोग, मैं उस रात को नहीं भूल सकता। और इतना कहकर बोवी यहाँ पर सैड हो जाता है। तभी हाई मन में सोचता है, ये सुनकर हाई अपने मन में सोचता है, ये सब कुछ कितनी आसानी से और कितने अच्छे से बता रहा है, इसे सब कुछ याद है। आगे हाई कहता है, तो क्या जॉनी सच बोल रहा है? क्या जॉनी सच में साल 2000 से यहाँ टाइम ट्रैवल कर आया है? फिर हाई कहता है बोवी से, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर बोवी कहता है, अगर मैंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा, लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस है। इस पर हाई कहता है, तो ठीक है, तुम आज सोते समय मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ पकड़ने के लिए। इस पर बोवी कहता है, तुम कितने साल के हो? तुम्हें हाथ पकड़कर सोना है? नहीं। इस पर हाई कहता है, तो ठीक है, तुम भूल जाओ। तो फिर बोवी चिल्लाता है और कहता है, नहीं रुको, और वो यहाँ पर हाई का हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में बेड पर सो जाते हैं। बोवी हाई का हाथ पकड़े होता है और कहता है, तुम्हारा हाथ कितना स्वेटी है? हाई कहता है, नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा। और दोनों यहाँ पर फन टाइम इंजॉय करते हैं। फिर हाई कहता है, ओके तो तुम अब सो जाओ, और यहाँ पर हाई सो जाता है और बोवी हाई को देखने लगता है। फिर बोवी कहता है, थैंक यू हाई, और वो यहाँ पर सो जाता है। और तभी हाई बोवी की तरफ देखता है और वो बोवी को देखता ही रह जाता है। अब सीन दिखाते हैं लिन के घर का, जहाँ पर भूकंप की वजह से लिन के घर की चीज़ें भी नीचे गिर जाती हैं। लिन सारी चीज़ें उठाकर उसे सही जगह पर रखता है। लिन अकेला होता है इसलिए उसे थोड़ा डर भी लगता है। और तभी लिन को वहाँ पर लियांग का कॉल आता है। लिन कहता है, हेलो मिस्टर लियांग। लियांग कहता है, अभी भूकंप के झटके आए थे तो क्या तुम ठीक हो? इस पर लिन कहता है, हाँ मैं डर गया था पर मैं अब ठीक हूँ। आगे लिन कहता है, तो आप कैसे हैं? इस पर लियांग कहता है, तुम अपने खिड़की पर आओ, तुम मुझे वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर लियांग लिन के घर के सामने खड़ा होता है। फिर लिन विंडो पर जाता है और वहाँ पर लियांग को देखता है। लियांग लिन को देखकर हाय करता है। लिन लियांग को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लिन कहता है, मैं अभी नीचे आता हूँ, और वो नीचे जाने लगता है। तभी लियांग कहता है, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है तो तुम सो सकते हो, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था और मैं तुम्हें देखकर ये शोर करना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं। इस पर लिन कहता है, हाँ, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते मॉर्निंग का, जहाँ पर हाई चाहता है मोमो से मिलने। हाई कहता है, जॉनी ने मुझे कहा है कि तुम उसकी बचपन की दोस्त हो। इस पर मोमो कहती, हाँ लेकिन तुम मुझे और हाई को देखकर गलत मत सोचना, तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और मुझे ये बात पता है कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो। ये सुनकर हाई यहाँ पर स्माइल देता है, वो जानकर खुश होता है कि बोवी और मोमो के बीच कुछ नहीं है। हाई स्माइल देते कहता है, कम ऑन, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि जॉनी को क्या पसंद है और उसकी क्या आदतें हैं, क्योंकि मेरे रूममेट्स हैं ना, तो मैं जानना चाहता हूँ उसकी आदतों के बारे में, मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। यह सुनकर मोमो यहाँ पर स्माइल देती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें लगता है कि जॉनी अट्रैक्टिव है, तुम उसे पसंद करते हो? इस पर हाई स्माइल देता है और फिर कहता है, मुझे बस जॉनी के बारे में जानना है, तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। इस पर मोमो कहती, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, चलो तुम नोट्स बनाओ। तो जॉनी के रूम में सारे कपड़े इधर से उधर पड़े हुए होते हैं और जॉनी ऐसा है, और यहाँ पर मोमो जॉनी के बारे में सब कुछ बताती हैं हाई को, और यहाँ पर हाई मोमो की बातों की नोट्स बनाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हाई बोवी का वेट कर रहा होता है। तभी बोवी वहाँ पर अपनी फूड डिलीवरी की जॉब से आता है। हाई बोवी को देख स्माइल देता है और कहता है, सीईओ, हमने पिछले एपिसोड में देखा था ना कि बोवी यहाँ पर खुद को सीईओ कहता है, इसीलिए हाई बोवी को खुश करने के लिए कहता है, सीईओ आप आ गए, आपका आज के दिन काफ़ी लॉन्ग होगा तो आपके लिए फूड है। सुनकर बोवी कहता है, रियली, क्या सच में? और बोवी फूड के पैकेट को देखता है। इस पर हाई कहता है, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें पसंद आया ना, ये क्रीम फ्लेवर है। इस पर बोवी कहता है, लेकिन मुझे मीठा नहीं पसंद। इस पर हाई कहता है, लेकिन
और इतना कहकर बुई वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर हाई मोमो की लिखी हुई बातों को पढ़ता है और कहता है पर उसने तो कहा था कि जॉनी को क्रीमी फ्लेवर पसंद है। फिर नेक्सन दिखाते हैं जहाँ पर हाई अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और बोवी को देखता है कि बोवी कपड़े फोल्ड कर अच्छे से रख रहा है और बोवी घर की पूरी सफाई कर रहा है और वो सब कुछ देखकर यहाँ पर हाई शॉक हो जाता है। फिर वो मोमो की बातों को पढ़ता है जहाँ मोमो ने कहा होता है कि जॉनी का रूम बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उसका रूम काफ़ी मैसी होता है और उसके कपड़े बिल्कुल सही जगह पे नहीं होते, पूरे रूम में उसके कपड़े फैले होते हैं। और ये सब पढ़कर और बोवी के काम करता देख यहाँ पर हाई शॉक हो जाता है। फिर से दिखा आते हैं जहाँ पर बोवी अपने जॉब के लिए जा रहा होता है और तभी हाई आता है। हाई बोवी को क्रीम देता है और कहता है इसे यूज़ करो। इसे बोवी कहता है नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ और मुझे सबकी क्या ज़रूरत, चलो ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहकर बोवी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हाई फिर से मोमो की नोट्स को याद करता है, उसे पढ़ता है जिसे मोमो ने कहा होता है कि जॉनी को बहुत ही पसंद है स्किन केयर की चीज़ें, वो अपनी स्किन की बहुत केयर करता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीम यूज़ करता है, मुझसे भी ज़्यादा उसे स्किन की केयर करना पसंद है। और फिर यहाँ पर हाई सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट दिन दिखा आते हैं जहाँ पर हाई खुद से कहता है मोमो ने मुझे जैसा बताया था जॉनी तो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो तो उसके बिल्कुल उल्टा ही है। मुझे तो लगता है क्या वो सच बोल रहा है, क्या सच में उसका नाम बोवी है। और यहाँ पर वो सोचने लगता है और तभी वहाँ पर बोवी आता है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट स्टूडियो में, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।